नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव। किशोरी को मारी गई गोली, घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर। थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के अंदर आग ताप रही किशोरी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल किशोरी को परिजनों ने CHC में भर्ती कराया। किशोरी की हालत गंभीर देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव सकरौली निवासी इंद्रपाल की लगभग 16 वर्षीय पुत्री शालिनी शनिवार शाम लगभग 7 बजे घर के अंदर आग ताप रही थी तथा उसकी एक बहन खाना बना रही थी। तभी अज्ञात ने घर के अंदर घुसकर आग ताप रही शालिनी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। जानकारी के अनुसार गोली सामने से शालिनी के गले पर लगी है। फायर की आवाज़ सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। घायल के माता पिता गांव में बने दूसरे मकान में थे। परिजनों घायल को इलाज के लिए बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद परिजन घटना से संबंधित कोई भी जानकारी देने से कतराते रहे। वहीं विश्वस्त सूत्रों की माने तो किशोरी के गोली प्रेम प्रसंग के चलते मारने की जानकारी मिल रही है। वहीं पुलिस घटना की जांच कर तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साल की लगभग एक लड़की आई हुई है, तो क्या घटना हुई है उसके साथ? हाँ, मैं शालिनी नाम की लड़की, पिता का नाम इंद्रपाल, ग्राम सकरौली फतेहपुर से मरी जाए, उसको गोली लगी थी गर्दन में और उसका प्राथमिक उपचार करके उन्नाव रेफर कर दिया है। गोली किस टाइप से लगी है उसके? गोली का मतलब एंट्री वुंड और एक्सिट वुंड दोनों हैं उसमें जी। तो ये है कि पास से ही गोली मारी गई और छर्रे भी लगे हुए हैं। तो एज क्या होगी उसकी लड़की की? एज लगभग 16 साल है। ये लड़की नॉर्मल बता रहे हैं। तो हालत कैसी है उसकी? हालत अभी तो फिलहाल अभी तो ये है कि हालत ठीक लग रही थी, आगे कुछ कह नहीं सकते।